तो आप ये बताइए कि क्या सच में टाइटल एक्सेप्शन टैग तीनों की मदद से शॉर्ट्स वीडियो वायरल होती है, क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताइए। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने केवल 2 महीने में 170 वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर बनाया। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे चैनल को ग्रो करते हैं, कैसे वीडियो पे व्यूज जाता है, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे यूट्यूबर काम करते हैं लेकिन चैनल ग्रो नहीं होता। लेकिन आज आपको सिखाएंगे कैसे ग्रो किया जाता है। तो भाई, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका ये 2 मिलियन सब्सक्राइबर कितने दिन में कंप्लीट हुआ? तो बात करते हैं, मेरा 2 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ 2 महीने में ही कंप्लीट हो चुका था। आप ये बताइए कि आप अभी कहां से हो, आपका नाम क्या है और चैनल का क्या नाम है, कितना सब्सक्राइबर? मेरा नाम है अमित कुमार और मैं झारखंड के बोकारो स्टील सिटी से रहने वाला हूं और अभी मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर है और मेरे चैनल का नाम है सिंधो के फैक्ट्स। अच्छा, 2 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने बहुत आसानी से बनाया है। अब ये बताइए, थोड़ा सा ये पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में, कि सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी ये YouTube जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे आप YouTube पर आए? तो बात करते हैं कि मैं एक दिन YouTube स्क्रॉल कर रहा था और YouTube स्क्रॉल करते करते आपका वीडियो मेरे मतलब होम पेज पर आ गया, ठीक है। तो बस मैं आपका पॉडकास्ट देखा और मतलब उसी दिन से काम करना चालू कर दिया था। मतलब कि आप YouTube पर वीडियो देख रहे थे और वहां पर मेरी वीडियो आ गई, सजेस्ट हुई और आपने मेरी वीडियो देखा, सीखा और 2 महीने में आपने 2 मिलियन बना लिया। हाँ जी हाँ, देख रहा हूँ ना, ये जो यूट्यूबरों की जनसंख्या है ना, वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि सही नॉलेज जो ले रहा है वो सीख रहा है। ऐसे बहुत से क्रिएटर को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आप लोगों से मिला चुका हूँ, जिन्होंने केवल वीडियो को देखा, सही से लोगों की एक्सपीरियंस को समझा, अप्लाई किया, मेहनत किया और ग्रो पा गया। बहुत सारे लोग आज भी मेरे से कहते हैं और साल भर से कह रहे हैं कि भाई हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि आखिर मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा। आज ये आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इन्होंने जो सीखा वो आज आपको सिखाएंगे। अगर आज नहीं ग्रो कर पाए तो यार कभी नहीं ग्रो कर पाओगे, ठीक है। बाकी चैनल पे ना सब्सक्राइब जरूर कर लो पहले। तो भाई, सबसे पहले अभी ये बताओ कि आप यूट्यूब से पहले क्या करते थे? मैं अभी यूट्यूब से पहले मतलब अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ और यूट्यूब एज अ पार्ट टाइम मतलब 1-2 घंटे निकाल के मैं यूट्यूब से बस पार्ट टाइम वर्क करता हूँ यूट्यूब पर। अच्छा, जब आप यूट्यूब पे आए थे तो आपका मोबाइल कौन सा था और माइक कौन सा आपने लिया था? नहीं नहीं, मोबाइल मेरे पास 1 6 GB का मोबाइल था, मेरे पास माइक कोई भी माइक नहीं था मेरे पास। बिना माइक के आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था? हाँ जी बिल्कुल हाँ। तो कैसे वीडियो शूट करते थे, मतलब आपके पास माइक नहीं था तो आप कैसे वीडियो शूट करते थे? बस मैं मोबाइल के माइक से ही यूज मतलब वीडियो शूट करके एडिट कर लेता था। देखो, बहुत सारे लोग आज भी मेरे पास बहाने बनाते हैं कि यार मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा वायरलेस वाला माइक नहीं है, लेकिन वो कमी की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की कमी रह जाती है। इसलिए आपके पास क्या कमी है उसके बारे में मत सोचो, आपके पास क्या है और उससे क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो। जैसे इन्होंने बताया ना, माइक नहीं थी तब जाके ये वीडियो बना रहे थे, मोबाइल को इस तरीके से पकड़, जो मोबाइल में माइक होता है उसे यूज करके यहां से बोलकर रिकॉर्ड करके 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनाए। तो आप भी कर सकते हो। आप ये बताइए कि YouTube पे जब आप आए थे तो आपका चैनल कितने दिन में ग्रो हुआ था, मतलब कि जब स्टार्टिंग से आपको YouTube पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया, मतलब स्टार्टिंग से जब दिन आपने चैनल बनाया, YouTube के बारे में जाना, तो कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए? मतलब जब मैं स्टार्टिंग किया था YouTube अक्टूबर 2022 को, बट मेरे को काम करते करते 6 महीने हो गए, मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। पर मैं धीरे धीरे सोचा मेरा वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा, सबका हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो बस मैं थोड़ा सीखा, अपने वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव किया और मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया और एक दिन मेरा वीडियो वायरल हो गया और धीरे धीरे मेरे सारे वीडियोस वायरल होने लगे और मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब सिर्फ 2 महीने में कम्प्लीट हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम यूट्यूब के बारे में कि क्यों लोगों का चैनल ग्रो नहीं होता, क्यों लोगों की वीडियो पे व्यूज नहीं आता, कैसे लोगों का चैनल ग्रो होगा, कैसे उनकी वीडियो व्यूज जाएगी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यह पूछते हैं कि हमारी ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट होता है कि यार हम कितने वीडियो अपलोड करें कि हमारी वीडियो वायरल होती है, कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद आपकी वीडियो वायरल होने लगी थी, आप ये बता दीजिए। नहीं नहीं, आप एक वीडियो अपलोड करिए, दिन का 2 करिए, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका वीडियो का क्वालिटी बहुत सही रहना चाहिए, वीडियो का वॉइस का मेन है वॉइस क्वालिटी। अगर आपका वॉइस का क्वालिटी बहुत सही है और वीडियो आपका मतलब थोड़ा अच्छा है तो आपका वीडियो जरूर वायरल होगा, आज नहीं तो कल आपका वीडियो वायरल हो ही जाएगा।
वीडियो बहुत सारे लोग तो बनाते हैं, आखिर उनकी वीडियो ग्रो क्यों नहीं होती? आपके नज़र में क्या वो गलती करते हैं, क्या वो मिस्टेक है? अगर मैं तीन पॉइंट में वो तीन मिस्टेक लेना चाहूँ, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस से आपने जो भी रियलाइज़ किया हो, तो तीन वो गलती बताइए जो यूट्यूबर करते हैं जिस वजह से उनकी वीडियो वायरल नहीं होती। तो बात करते हैं वो लोग ऐसे तीन मिस्टेक्स करते हैं जिस कारण से उनकी वीडियो वायरल नहीं होती हो पाती है। सबसे पहले मिस्टेक वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों का टाइमिंग सही नहीं रहता है, और दूसरे मिस्टेक वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों की वीडियो की लेंथ सही नहीं होता है, और तीसरी मिस्टेक होती है कि उन लोगों की एडिटिंग वो लोग ठीक से नहीं करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि यूट्यूबरों की तीन मिस्टेक होती है, पहला वो टाइमिंग, जो वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग, दूसरा वीडियो का लेंथ, तीसरा एडिटिंग। तो चलिए एडिटिंग के बारे में आगे लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि टाइमिंग में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितने टाइम पे वीडियो अपलोड करना चाहिए, कैसे वीडियो अपलोड करना है, थोड़ा सा आप बताएंगे। हाँ तो जी हाँ, आपकी वीडियोस की मतलब लेंथ रहनी चाहिए 45 से लेकर 50 सेकंड तक, और अगर आपकी मतलब आपकी वीडियोस की लेंथ इससे बड़ी है तो मतलब आपको ऑडियंस रिटेंशन में थोड़ा ये हो जाएगा, मतलब आपके ऑडियंस रिटेंशन थोड़ा कम आने लगेगा। अगर आप अपने वीडियोस की टाइमिंग 45 सेकंड से 50 सेकंड के बीच रखते हैं तो आपका ऑडियंस रिटेंशन बिल्कुल सही रहेगा एकदम, मतलब 45 से 50 सेकंड तक अपनी वीडियो को रखना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से वीडियो किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए, कितने बजे अपलोड करना चाहिए, सुबह, शाम, दोपहर, कब अपलोड करना चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा रीच मिले? वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम शाम के 7 बजे है, क्योंकि वो उस समय सभी व्यूअर्स एक्टिव रहते हैं, सभी लोग अपना काम करके वक्त उस समय फ्री रहते हैं, और मतलब यूट्यूब देखना वो लोग उसी समय पसंद करते हैं। सही बात है, मैंने बहुत बढ़िया ये बताया, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग कहीं ऑफिस में हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, शाम का टाइम ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, क्योंकि सुबह टाइम जो ट्रेवल करते हैं वो अपने काम को लेकर, जैसे जो कंपनी में काम करता है उसके दिमाग में चलता रहता है यार कि काम करना है, क्या काम है, और रात को टाइम जब आते हैं तो लोग टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पर ही आते हैं। तो यूट्यूब पर अगर आप शाम को अपलोड करते हैं तो ज़्यादा नोटिफिकेशन जाता है, ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव रहती है। इनके कहने का मतलब सही है, और सही इन्होंने चीज़ बताई, क्योंकि स्टूडेंट भी शाम को फ्री होते हैं और जो जॉब करते हैं कंपनी में वो भी शाम को ज़्यादा फ्री होते हैं। आपकी जो वीडियो वायरल हुई अभी तक, आपने जितनी भी वीडियो अपलोड किया, केवल 170 वीडियो अपलोड किया और 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनाया, तो उसमें से जो सबसे टॉप वीडियो वायरल हुई है, उस टॉप वीडियो का ऑडियंस एंगेजमेंट कितना परसेंट है? देखिए मेरे सबसे मोस्ट वायरल वीडियो मतलब 10.2 मिलियन उसमें व्यू आ चुका है, और वो उस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 80-90% के बीच है। अच्छा, और वीडियो कितने सेकंड की है? वो वीडियो 45 से लेके मतलब 48 सेकंड के बीच है। अब यहाँ पर एक चीज़ डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, इन्होंने बताया कि 45 सेकंड की वीडियो पे 80-90% का ऑडियंस एंगेजमेंट है, और बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि यार रोहित भाई हमारी वीडियो पे 80% ऑडियंस एंगेजमेंट है जो फलाने ने बताया था, फिर हमारी वीडियो वायरल नहीं हुई। रीज़न क्या है? दो रीज़न है। पहला, जब आप वीडियो अपलोड किए, मान लो कोई 20 सेकंड की वीडियो है, छोटी वीडियो है, या फिर 10 सेकंड की वीडियो है, तो कोई 5 सेकंड भी देखेगा या 7 सेकंड भी देखेगा तो 80-90% एंगेजमेंट हो गया, ऑडियंस एंगेजमेंट, ठीक है 7-8 सेकंड में ही, 7-8 सेकंड तो इसे देख लेते हैं। तो जब वीडियो छोटी करोगे तो आपका ऑडियंस एंगेजमेंट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन टाइम जो है एवरेज ड्यूरेशन वो कम मिलेगा, वॉच टाइम जो है वो कम मिलेगा। इसलिए लॉन्ग वीडियो रहेगा तो लोग ज़्यादा वीडियो देखेंगे, भले परसेंटेज थोड़ा सा कम रहेगा ऑडियंस एंगेजमेंट, मान लो 80% रहेगा, 70% भी रहेगा कुछ कुछ केस में, तो आपकी वीडियो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको वॉच टाइम भी मिल जाता है। और ये सोचो कि आप केवल 2 सेकंड का वीडियो बना लें तो बहुत कुछ हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। अब ये बताइए कि वीडियो को वायरल करने के लिए जो SEO एक बड़ा सा हौगा बना है लोगों के दिमाग में, क्या शॉर्ट्स वीडियो में अच्छा टैग लगाएं, अच्छा डिस्क्रिप्शन लगाएं, कौन सा कीवर्ड लगाएं, कैसे शॉर्ट्स वीडियो वायरल होगा, एक SEO के लेकर बहुत बड़ा डाउट लोगों के दिमाग में रहता है। तो आप ये बताइए कि क्या सच में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग तीनों की मदद से शॉर्ट्स वीडियो वायरल होती है, क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताइए। देखिए मैं पर्सनली आज तक मैं अपने एक भी वीडियो SEO नहीं किया हूँ, बस मैं अपने टाइटल को सही से लिखता हूँ और वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और मेरी बहुत सारे वीडियो इसी तरह वायरल हुई है। और डिस्क्रिप्शन टैग ये नहीं, नहीं मैं टैग्स और डिस्क्रिप्शन बेसिकली कभी नहीं लगाया हूँ आज तक एक भी वीडियोस में। स्टार्टिंग में लगाता था, पर जैसे जैसे मुझे पता चला कि ये सब उतना मैटर नहीं करता, उस दिन से मैं मतलब टैग्स और डिस्क्रिप्शन नहीं लगाने लगा। ये बहुत सही बात इन्होंने बताया। देखो जब कोई ऑडियंस स्क्रॉल कर रही होती है, ठीक, स्क्रॉल करते करते उसको दो चीज दिखती है आपकी वीडियो में। पहली तो आपने वीडियो के ऊपर जो लिखी हुई है जिससे उसके दिमाग में सस्पेंस बैठता है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका टाइटल उनकी नजर जाता है। टाइटल आपको बताता है कि आपकी वीडियो उन्हें क्यों देखनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास कोई वीडियो आई, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो टाइटल में लिखा है कि भारत के 3 ऐसे रहस्य जो कोई नहीं जानता,
तो भाई मेरे दिमाग में पता चल गया कि भाई ये ऐसी कोई तीन रहस्य बताने वाला है जो कि कोई नहीं जानता। मेरे दिमाग में टाइटल की वजह से ये सस्पेंस पैदा हो गया, क्या है वो तीन रहस्य, या देखने के लिए मैं पूरी वीडियो देखूंगा। इस वजह से टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, 80% इफेक्ट करता है ऑडियंस को बांधने के लिए। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपकी जो वीडियो है अगर 5 सेकंड में अगर आप ऑडियंस को बांध लेते हो तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी, नहीं तो आपको स्क्रॉल कर देगी। ठीक, तो स्टार्टिंग में जैसे 20 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड की वीडियो हो तो 5 सेकंड कुछ ऐसा चीज़ बोलो, कुछ ऐसा चीज़ दिखाओ, कुछ ऐसी बातें रखो जिससे ऑडियंस रुक जाए, ऑडियंस कनेक्ट हो जाए। देखो पूरा गेम आपका हो जाएगा तब। अगर जो यूट्यूबर 5 सेकंड कनेक्ट नहीं कर सकता उसका शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं हो सकता। जैसे कि लॉन्ग वीडियो में जो थंबनेल सही से नहीं बना सकता उसकी वीडियो वायरल नहीं होगी, और शॉर्ट्स वीडियो में 5 सेकंड आपको कनेक्ट करना होगा। तो चलिए, आपने तो बता दिया भैया टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कोई मैटर नहीं करता, केवल टाइटल मैटर करता है, सॉरी टाइटल मैटर करता है, डिस्क्रिप्शन टैग मैटर नहीं करता। तो वीडियो को वायरल करने के लिए आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें हैं कि कैसे जो नया क्रिएटर है जिनके पास 0 सब्सक्राइबर है वो कैसे ग्रो कर सकता है, कुछ आपके दिमाग में और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है? देखिए, नया क्रिएटर एक गलती क्या करता है कि देखता है कि जो होम पेज पे मतलब शॉर्ट फीड पे जो वीडियो वायरल जा रही है तो वो उसको सेम कॉपी करके मतलब उसी तरह का बनाने का ट्राई करता और अपना खुद का वैल्यू कुछ ऐड नहीं करता और उसको उसी तरह से अपलोड कर देता बना के, इसलिए उनकी वीडियो वायरल नहीं जाती है। हाँ सही बात है, लोग कॉपी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे करते हैं यार। मैंने बहुत ज़्यादा देखा यार, जो पहले मैं सोचता था जो कंटेंट क्रिएटर हैं कुछ यूनिक करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नए कंटेंट क्रिएटर आते हैं उनके दिमाग में एक चीज़ बैठा हुआ है कि जो बंदा वो कर मेरे को वही करना है, कॉपी। जिस वजह से लोग अपनी पहचान भूल जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे यूट्यूबर अब पैसे के लिए आ रहा है, अपने कॉन्टेंट के लिए नहीं आ रहा है। आपके दिमाग में अपना कॉन्टेंट होना चाहिए यार, मैं अपने कॉन्टेंट को दर्शाऊंगा क्योंकि मेरे कंटेंट से ही मेरी पहचान होती है। जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में अपना बताऊं तो मैं स्टार्टिंग में आया था, तो मैं स्टार्टिंग में अभी भी बोलता हूं, मेरे दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है, ये लाइन जो थी मेरी यूनिक थी आवाज़, लोग इसी चीज़ से मेरे को जानते हैं। आज बहुत सारे लोग मेरे को कहते यार मेरे दोस्त, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती है, जब आप खुद की पहचान करोगे ना तो आप कुछ यूनिक दे पाओगे। बहुत सारे लोग आएंगे कॉपी करेंगे तो वो कॉपी में ही रह जाएंगे। इसलिए जो भी यूट्यूबर है यूट्यूब पे आओ, मेहनत करो, नए कंटेंट लाओ, फ्रेश कंटेंट लाओ। अब बात करते हैं इनकी अर्निंग के बारे में। भाई कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा, तो आप ये बताइए कि अभी आपका जो चैनल मोनेटाइज हुआ है उससे आज टोटल कितना पैसे आपने कमा रखा है? देखिए, मेरा चैनल 2 महीने पहले ही मोनेटाइज हुआ और मैंने सिर्फ 2 महीने में अपने चैनल में $600 से $700 की अभी तक अर्निंग कर चुका हूँ। और पर डे अभी आपका जो व्यूज आता है, जिस हिसाब से आपका व्यूज है, तो पर डे आपकी वीडियो पे कितना डॉलर बनता है? पर डे अभी $4 से $5 बन रहा है, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू रेगुलर काम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा अभी मतलब इशू के कारण। अच्छा, अभी $4 से $5 पर डे बन रहा है। तो देखो, बहुत सारे लोगों के चैनल पे यही डाउट होता है कि मेरा कैसे ग्रो होगा, कैसे ग्रो होगा। भाई ग्रो होगा, बस ग्रो करना सीखो। इन्होंने मेरी वीडियो देखी, सही से अप्लाई किया और आज आपके सामने बैठे हैं। आप भी इन्होंने जो भी बताया, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यूट्यूब पे। लोगों के दिमाग में एक चीज़ पड़ा ही रहता है कि यार रोहित भाई ये नहीं पूछें, रोहित भाई ये नहीं पूछें। भाई मैं फालतू क्वेश्चन क्यों पूछूं, जो ज़रूरी है केवल मैं वही पूछूंगा। मेरे को अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ज़्यादा ऐड के चक्कर में ज़्यादा लंबा नहीं करना है कि फालतू क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके काम नहीं है। जो चीज़ें इन्होंने बताया केवल बस यही पे फोकस करो। ज्यादा कहते हैं ब्रूसली ने कहा था कि मुझे 10,000 मुंह से खतरे नहीं है, मुझे खतरा है केवल एक मुंह से जो उस बंदे ने 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। कोई गाना गायक है सिंगर, वो 10 गाना गा के वो मशहूर नहीं होगा, 10 गाने गा के उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। एक ही गाने को गाएगा, बार बार गाएगा, उसके गले की रियाज होगी, उसकी स्किल डेवलप होगी। इसी तरीके से जो इन्होंने बताओ मेन चीज़ें हैं वही फॉलो करो। ज़्यादा चीज़ नहीं है यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए, यूट्यूब पे ग्रो करना आसान है, पर सही चीज़ से जान जाओ। एडिटिंग करना सीख लो, अच्छे से एडिटिंग करो अपनी वीडियो में, अपनी वीडियो का 5 सेकंड पकड़ के रखो, ऑडियंस को इंगेज करो, ऑडियंस जो देखना चाहती है उन्हें दिखाओ, उन्हें सेटिस्फाइड करो, वही अगले बंदे फिर आएंगे, वही ऑडियंस फिर आएगी आपको देखने के लिए। ऑडियंस आपका कस्टमर की तरह होता है और कस्टमर भगवान की तरह होता है। एक बार उसे पूछ के देखो, एक बार उसे संतुष्ट करके देखो, आपको आएंगे देखेंगे।
ठीक। तो आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए कि नहीं हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये वीडियो किस तरीके से बनाते हैं, कैसे वीडियो को एडिट करते हैं, इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, जाके देख लीजिएगा ठीक है। उसमें आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जैसे ये वीडियो बनाते हैं इस टाइप की वीडियो बनाया कैसे जाता है ठीक है। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।